श्री अकाल तख्त साहब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह हुण खुल के श्रोमणी अकाली दल के सामने खड़े हो गए लगते हैं। सां जरनैल सिंह भिंडरांवालिया के जन्म दिहाड़े के एक प्रोग्राम दे विच उन्होंने अकाली दल नूं वड्डी नसीहत देंदे हुए 50 साल पुराना पार्टी का एजेंडा याद करवाया। सिर्फ इन्ना ही नहीं, उन्होंने पंथ के एके का सुनेहा भी दिता। जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह 1920 के गुरद्वारा सुधार बारे गल कर रहे सन। इस दौरान उन्होंने मौजूदा अकाली दल नूं कमियां उन्हां दीआं याद करवाईआं। कहिंदे एक समां सी जदों साडे सियासी एजेंडे दे विच सिख पंथ ते गुरद्वारे पहले नंबर ते हुंदे सन। श्रोमणी अकाली दल अपना 50 साल पुराना एजेंडा चक के वेख लए। सिख पंथ ते गुरु घरां दी चढ़दी कला पहले नंबर ते हुंदी सी, पर हुण साडी राजसी सोच दे विचों कहिंदे सिख पंथ गायब हो गया ते गुरद्वारे वी इस सोच दा हिस्सा नहीं रहे। इह साडी कमजोरी है। जे असीं ताकतवर बनना है तां सानूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी हजूरी दे विच वख-वख संस्थावां नूं मिल के बैठना पऊगा, एका करना पऊगा। कोई समां सी साडे राजसी एजेंडे दे विच ये शब्द जिहड़े आ ओह पहले नंबर ते हुंदे सी, सिख पंथ ते गुरद्वारे। तुसी श्रोमणी अकाली दल दा 50 साल पुराना जिहड़ा है ओह तुसी पढ़ के देख लो संविधान। 50 साल पुराने संविधान दे विच मुख एजेंडा की है श्रोमणी अकाली दल दा, इह बाखूबी लिखिया होया है, सिख पंथ ते गुरद्वारियां दी चढ़दी कला। अज साडी राशी सोच दे विचों सिख पंथ भी मनफी हो गया और गुरद्वारे भी मनफी हो गए। ये साडी कमजोरी है। जे असी ताकतवर बनना तो सानू धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह की हजूरी च अपनियां संस्थावां जिहड़ियां सिर जोड़ के बैठ के मजबूत करनियां होणगियां। सो ये पहला मौका नहीं है जो जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे वल्लों अकाली दल नूं नसीहत दित्ती गई होवे। इस तों पहलां भी उन्होंने पार्टी नूं किसानी मुद्दे तों दूर होण ते तंज कसिया सी, पर जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह दे ताज़ा बयान नूं पिछले दिन उन्हां नूं हटाउण दीआं कोशिशां दे नाल जोड़ के वेख्या जा रिहा है। जदों आम आदमी पार्टी दे लीडर ते राज सभा मैंबर राघव चड्ढा दी मंगणी दे विच जथेदार दी शमूलियत नूं लै के अकाली लीडर विरसा सिंह वलटोहा वर्गे आगूआं ने जथेदार साहिब ते सवाल चुके सन ते जथेदार साहिब नूं हटाउण दीआं चर्चावां भी शुरू हो गईआं सन, पर उस तो बाद इन्हां चर्चावां ते विराम उदों लग गया जदों SGPC दी एग्जैक्टिव कमेटी दी मैंबर दे एग्जैक्टिव कमेटी दी मीटिंग दे विच जही किसी भी गल तो गल नूं नकार दिता गया। हालांकि जथेदार साहिब नूं हटाउण दा फैसला जां तां लिया नहीं गया जां फिर उसनूं टाल दिता गया, पर उस मीटिंग तो बाद हुई प्रैस कॉन्फ्रेंस दे विच SGPC दे प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने यह जरूर कहा कि जथेदार साहिबाना दी चोण अते उहनां दे समाज दे विच विचरण नूं लै के एक ਜ਼ਾਬਤਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਾਗੀ ਲੀਡਰ ਅਤੇ SGPC ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਬੋਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਗਾਮੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਇਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈਏ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿੱਦਣਾ ਰੁਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਏ, ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣੇਗਾ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੱਸੇਗੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਪੰਥ